हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी शर्मा फ्रॉम एमए इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 आर नीड्स ऑफ साइंस। लेट्स स्टार्ट आर नीड्स ऑफ चैप्टर 8। व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर हंग्री? हमें जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। What do we do when we feel cold? और जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? We wear woolen clothes, हम गर्म कपड़े मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं। Why do we live in a house? हम घर में क्यों रहते हैं? To protect ourselves from animals, bad people and harsh weather. क्योंकि जो घर है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, किससे? एनिमल से, बैड पीपल से और हर्श वेदर मतलब जो बहुत तूफानी मौसम होता है उससे हमें प्रोटेक्शन कौन देता है? घर। घर में रहते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारा प्रोटेक्शन होता है। सो आर बॉडी नीड्स, तो हमारी बॉडी की नीड्स क्या क्या है वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। सबसे पहले है फूड टू ईट, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लोथ्स टू वियर, कपड़े पहनना वो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन, और जो घर है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो कौन कौन सी है? फूड, क्लोथ्स और शेल्टर मतलब खाना, उसके बाद कपड़े और फिर शेल्टर मतलब घर। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर आर और बेसिक नीड्स, सबसे बेसिक नीड्स है हमारी फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। वी ईट फूड, आर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो। वी ईट फूड, खाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो, हमारी बॉडी को नीड्स होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। फूड ऑल्सो गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, खाना खाने से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तभी तो हम अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, अच्छा अच्छा गेम खेलते हैं, अच्छे से हम रहते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो फूड है हमें किस किस से मिलता है? फूड हमें मिलता है प्लांट्स से और एनिमल्स से मतलब पेड़ पौधों से, और जानवरों से हमें खाना मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट से मिलता है, तो प्लांट से हमें क्या मिलती है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, बटर मिलता है और मीट मांस मतलब चिकन, वो हमें एनिमल्स से ही मिलता है। गुड फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, अगर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। We must eat some of these food items every day. हमें कौन कौन से food item हैं जो रोज़ हमें खाने में खाने चाहिए? तो सबसे पहले तो food, good food, healthy food मतलब अच्छा खाना हमारी body को healthy रखता है। कौन कौन सा होता है? Chicken हो गया, eggs हो गए, dry fruits हो गए, फिर चपाती हो गई, दालें हो गई, दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हमें हमारे डेली रूटीन के खाने में हमें खानी चाहिए। वी यूजुअली ईट थ्री मेन मील्स इन अ डे, हमें हमेशा मतलब दिन में तीन बार खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन अ मील, और सुबह, दिन में, शाम को जब भी हम खाएं तो वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमको मील खाना चाहिए। मतलब जैसे मॉर्निंग में हमने हल्का फुल्का खा लिया, फिर लंच में हमें प्रॉपर अच्छे से खाना खाना चाहिए, और फिर डिनर में खाना खा लेते हैं हम अच्छे से। तो सबसे पहले वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम जो मॉर्निंग में खाना खाते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट हमेशा हल्का फुल्का होता है, जैसे दूध, ब्रेड, बटर, हल्का फुल्का फ्रूट्स, ये सब हमें मॉर्निंग में लेने चाहिए। और हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद है वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, और हम लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में। तो लंच में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? दाल, रोटी, चावल, कर्ड, दही, ये सब चीज़ें हमें लंच में लेनी चाहिए। और लंच कब करते हैं हम? आफ्टरनून में।
वी ईट डिनर एट नाइट, और रात में हमको डिनर करना चाहिए, मतलब डिनर हम रात में करते हैं। ईट एट लीस्ट वन मील विथ योर फैमिली, तो हमें दिन भर में कम से कम एक बार तो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टे टुगेदर, मतलब हम हमारी फैमिली के साथ खाना खाते हैं तो उससे हम साथ में रहना सीखते हैं, सब में प्यार बना रहता है और सबको अच्छा लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।